दुनिया भर में बने रहस्यमय ढांचे। मानो दुनिया भर के सारे प्राचीन बिल्डर्स एक ही स्कूल में गए हों। शानदार स्मारक जिनसे शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है। अंदर जाकर ऐसा आभास होता है कि इसे बनाने वाला इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। क्या प्राचीन मनुष्यों ने पिरामिड्स को कब्रों को रखने के लिए बनाया था? वो समाधि बताना चाहते थे, अच्छी बात है, पर 25 लाख पत्थरों वाली इतनी बड़ी समाधि क्यों? या पिरामिड्स बनाने के पीछे उनका मकसद कुछ और ही था? जो भी सभ्यता इस कॉम्प्लेक्स पिरामिड नेटवर्क को बना रही थी या बनवा रही थी, इसके लिए जिम्मेदार थी, वो जरूर बहुत ही एडवांस थी। हो सकता है वो एलियंस थे। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है? और क्या पिरामिड्स बनाने के पीछे कोई राज है? ऐसा राज जो हमें एलियंस से जोड़ता है? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्री। उत्तरी सूडान जेबल बारकल में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, दक्षिण पूर्वी इराक का टेंपल अर, प्राचीन बेबीलोन शहर से लेकर कुश साम्राज्य के मंदिरों तक पूरी दुनिया भर में पिरामिड्स फैले हुए हैं। और इनमें से कई पिरामिड्स तो 3000 ईसा पूर्व पहले बने थे। पिरामिड्स कई अलग शेप्स और साइज में देखे गए हैं, जैसे मेक्सिको में सीढ़ियों वाले सर्कुलर पिरामिड्स हैं और पेनिनसुला के उक्समाल इलाके में बने पिरामिड्स के कोने कर्व्ड हैं। इंडिया में बने पिरामिड्स बिल्कुल सीधे हैं और बहुत ऊंचे हैं। और सेंट्रल अमेरिका के पिरामिड्स की बात करें तो वो भी ऐसे ही है। और इजिप्ट के पिरामिड्स का शेप ऐसा है, वो थोड़े अलग है। पिरामिड का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। उसका बेस स्क्वायर शेप का होता है और चारों साइड्स ट्रायंगल शेप के होते हैं जो एक नोक पर आकर मिलते हैं। अगर कोई विशाल ढांचा बनाने का सोचेगा तो पिरामिड जैसा ही ढांचा बनाएगा, क्योंकि पिरामिड शेप का ढांचा सबसे ज्यादा पक्का और टिकाऊ होता है। सेंट्रल चाइना के शेंशी प्रांत में 250 पिरामिड्स है। इंडियन ओशन के बीच में और मॉरिशस आइलैंड पर दर्जनों पिरामिड्स है। कैनरी आइसलैंड में है, नॉर्दर्न सूडान में है, ऑफ कोर्स इजिप्ट में भी है, 155 है, और पेरू में 300 पिरामिड्स है। बोलीविया में पिरामिड्स पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा। तो पिरामिड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दुनिया के 5 अलग अलग महाद्वीपों में बसे एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स बनाए? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का मानना है कि सारे पिरामिड्स को उस सभ्यता ने बनाया है जिन्हें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और पृथ्वी के जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज की अच्छी जानकारी थी। क्या वो कोई एलियन सभ्यता थी? इटली के मोंटेवेकिया इलाके में बने पिरामिड्स गीजा प्लेट्यू में पिरामिड्स से काफी मेल खाते हैं, लेकिन दोनों जगहों के बीच में इतना बड़ा महासागर है। जब दोनों सभ्यता को मिलने का कोई रास्ता ही नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उन्होंने एक जैसे पिरामिड्स बनाए? इंडोनेशिया में बने कांडी सुकु टेंपल का डिजाइन चिचेन इट्सा के पिरामिड डिजाइन से बहुत मिलता है। कंबोडिया में बने एक और हिंदू मंदिर का डिजाइन लगभग हूबहू तिकायन के एक मायन मंदिर जैसा है। मेरे हिसाब से तो इनका एक ही कारण हो सकता है, इन सारी सभ्यताओं को पिरामिड्स बनाना सिखाने वाले टीचर्स एक ही थे। प्रीहिस्टोरिक पीरियड से दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताएं पिरामिड्स बनाती आ रही हैं।
शायद किसी बहुत पुरानी सभ्यता ने इसकी शुरुआत की थी और फिर ये दुनिया भर में बनने लगे। कैसे? ये बहुत बड़ा रहस्य है। जब सभ्यताओं के बीच आपस में कोई संपर्क नहीं था तो एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स कैसे बन सकते हैं? ऐसे पिरामिड्स जिनके बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ कुछ केसेस में मेजरमेंट्स और डिजाइंस भी सेम है, ऐसा लगता है इन्हें बनाने वाले एक ही है। अगर हम पेरू और इजिप्ट और सदर्न मेक्सिको के ओलमेक्स की बात करें तो उन सभी के कल्चर्स आपस में काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है प्राचीन इजिप्शियंस और प्राचीन पेरूवासी आपस में कनेक्टेड थे। हो सकता है वो एक दूसरे से मिलने आते थे और एक दूसरे के कल्चर्स की चीजें सराहते और अपनाते थे। गीजा प्लेट्यू, इजिप्ट। यहां कायरो शहर के बाहर के रेगिस्तानी इलाके में ग्रेट पिरामिड ऑफ कूफू है। 4,500 साल पहले वो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे बड़ा निर्माण था। लेकिन इस पिरामिड का निर्माण कैसे और क्यों किया गया था, ये अब भी एक रहस्य है। ग्रेट पिरामिड पूरी दुनिया की सबसे बेमिसाल जगह है। उस रहस्यमय पिरामिड के सामने खड़े होकर मन में कई ऐसे सवाल उभरते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। उसे किसने बनाया? उसे बनाया कैसे गया? वो अब भी कैसे खड़ा है? और उस पिरामिड के अंदर जाकर ऐसा महसूस होता है कि इसे बनाने वाला इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। ग्रेट पिरामिड 480 फुट ऊंचा है, 13 एकड़ की जगह पर और 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बना है। सबसे भारी पत्थर का वजन 70 टन है। कहा जाता है उस पत्थर को 800 किलोमीटर दूर की खदान से खोदकर लाया गया था। ये कमाल का कंस्ट्रक्शन है। मुझे जानना है कि आखिर उस पिरामिड को इतना बड़ा क्यों बनाया गया। अगर वो समाधि बनाना चाहते थे तो अच्छी बात है, पर 146 मीटर ऊंची और 25 लाख पत्थरों वाली इतनी बड़ी समाधि क्यों? उसका वजन 60 लाख टन है। कुछ प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि ग्रेट पिरामिड को 2500 ईसा पूर्व मिश्र के बादशाह कूफू की समाधि के तौर पर बनाया गया था, लेकिन अब तक यह सिर्फ अनुमान ही है और कई शोधकर्ताओं के बीच आज भी इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि ग्रेट पिरामिड को किसने और क्यों बनाया था। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रेट पिरामिड फैरो की समाधि है, लेकिन ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई डेथ बॉडी है ही नहीं। 1950 में विश्वसनीय इजिप्टोलॉजिस्ट्स ने ऐसे पिरामिड्स ढूंढे थे जहां कब्र बिल्कुल सील थी। सार्कोफेगस अपनी जगह से हिला भी नहीं था, पर उसे खोलने के बाद पाया गया कि अंदर कोई डेथ बॉडी नहीं थी, किसी मनुष्य के अवशेष नहीं थे, कॉफिन भी नहीं था। तो ये कहना था कि कब्र चोरों ने कब्र चोरी कर ली इन केसेस में मुमकिन नहीं था, क्योंकि कब्र बिल्कुल सील थी। पिरामिड्स के बनने के पीछे कोई कारण तो होगा, उनके बनने में इतनी मेहनत और साधन लगे हैं। अगर पिरामिड्स को बादशाह की समाधि के तौर पर नहीं बनाया जाता था तो जरूर सभ्यता की भलाई के लिए बनाया जाता होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। किसी को नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने पिरामिड्स क्यों बनाए थे। लेकिन अगर गीजा पिरामिड्स मिस्र के बादशाहों की समाधि के तौर पर नहीं बनाए गए थे तो इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने के पीछे का क्या मकसद था? क्या पिरामिड्स ऑफ कूफू और दुनिया के दूसरे पिरामिड्स के बीच कोई कनेक्शन था जो वक्त के साथ कहीं खो गया? या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना सही है कि इन्हें बनाने वालों ने इन्हें दूसरे ग्रह के लोगों के लिए उनके निर्देशन में बनाया है? मायन और इजिप्शियंस दोनों कल्चर की पौराणिक गाथाओं में लिखा है। मायन और इजिप्शियन दोनों कल्चर्स की पौराणिक गाथाओं में लिखा है। भगवानों ने नीचे आकर उन्हें पिरामिड बनाना सिखाया था और इजिप्शियंस की पौराणिक गाथाओं में थोथ भगवान का जिक्र है जिसे वो आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स कहते थे, और गाथाओं के मुताबिक उन्होंने ही गीजा का पूरा पिरामिड कॉम्प्लेक्स बनाया था। इम्होटेप, जिन्होंने दुनिया का पहला पिरामिड बनाया था,
उन्होंने खुद ये बात कही है कि उन्हें भगवानों से पिरामिड बनाने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भगवानों ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर वो इन्फॉर्मेशन दी, बल्कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन किसी जरिए से मिली थी। उनके दिमाग में कहीं से वो इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई थी, शायद सपने के जरिए। दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं में एक ही तरह के पिरामिड्स का बनना सचमुच चौंका देने वाली बात है। हमारे पूर्वजों ने क्या सोचकर इन पिरामिड्स को बनाने का निर्णय लिया था? ये भी हो सकता है कि किसी ने उन्हें ब्लूप्रिंट्स देकर पिरामिड बनाने को कहा हो। उन पिरामिड्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, और उस प्राचीन समय में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसे पिरामिड्स कैसे बन सकते थे? हो सकता है एलियंस ने ही पृथ्वी पर आकर हमें पिरामिड्स बनाने सिखाए हों और फिर चले गए हों। क्या दुनिया भर में पाए गए हजारों पिरामिड्स का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? इस सवाल का जवाब हमें पिरामिड्स को देखकर मिल सकता है, पृथ्वी से नहीं बल्कि ऊपर आसमान से। इजिप्ट 1940। गीजा प्लेटू के ऊपर से उड़ने वाले एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने ग्रेट पिरामिड की ऐसी तस्वीर खींची जिससे ग्रेट पिरामिड का एक अनजान पहलू सामने आया। वो चौंका देने वाला पहलू ये है कि ग्रेट पिरामिड के चार नहीं बल्कि आठ साइड्स हैं, और ये आठों साइड्स ऊपर आसमान से सूरज उगने और ढलने के वक्त दिखाई दे सकते हैं, और वो भी वसंत और पतझड़ के इक्विनॉक्सिस वाले दिन, यानी जब रात और दिन बराबर होते हैं। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ होती है कि हमारे पूर्वजों जिन्होंने पिरामिड बनाया था जानते थे कि साल के इन दो खास दिनों में पिरामिड ऊपर से कैसा दिखेगा। जिन्होंने भी ये पिरामिड बनाया था उन्हें सोलर साइकिल की अच्छी जानकारी थी, और इसे बनाने वालों को मैथमेटिक्स की भी काफी अच्छी नॉलेज थी। ये सब जानने के बाद हम कह सकते हैं कि ग्रेट पिरामिड्स वाकई दुनिया का सबसे ग्रेट पिरामिड है। ग्रेट पिरामिड का असली आकार इक्विनॉक्स वाले दिनों में ऊपर से ही क्यों नजर आता है, और प्राचीन मानवों ने इतनी पेचीदा आकार वाला पिरामिड कैसे बनाया जिसका असली आकार साल में सिर्फ दो बार दिखाई देता है, वो भी सिर्फ आसमान में जाकर? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस सवाल का जवाब हमें इस विशाल ग्रेट पिरामिड की बनावट और उसकी कुछ विशेषताओं पर गौर करके मिल सकता है। स्कॉलर्स के मुताबिक ग्रेट पिरामिड को पृथ्वी की पूरी जमीन का जो सेंटर है उस सेंटर पोजीशन पर बनाया गया है, और मैग्नेटिक कंपास से चेक करने पर पता चलता है कि वो नॉर्थ से अलाइंड है। पिरामिड्स के अंदर डिजाइनर्स ने छोटे रॉड लगाए हैं जो कि दो खास नक्षत्र की लाइन में एक साथ अलाइंड है, ओरायन और सीरियस। चारों शाफ्ट्स न सिर्फ नॉर्थ साउथ एक्सिस के लाइन में है बल्कि एक शाफ्ट तो सीधा ओरायन बेल्ट की तरफ पॉइंट करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शाफ्ट्स कंस्ट्रक्शन के दौरान हवा के आने जाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन क्या उनका स्टार से अलाइन करने का कोई और कारण हो सकता है? पहले उसे ग्रेट पिरामिड का एयर शाफ्ट कहा जाता था, अब उसे स्टार शाफ्ट कहा जाता है। उस शाफ्ट को डायरेक्ट ओरायन बेल्ट से कनेक्ट किया गया था। इसका कारण ये माना जाता है कि वो आत्मा को वापस ओरिजिन तक पहुंचाना चाहते थे। उस शाफ्ट का ओरायन बेल्ट के साथ अलाइन होना महज इत्तेफाक की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि प्राचीन इजिप्शियन पिरामिड बिल्डर्स ये मानते थे कि उनके बादशाह मरने के बाद ओरायन नक्षत्र के तारे बने। हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों की कोई कमी नहीं है। अब पिरामिड्स के उन दो सुंदर उदाहरण को ही ले लीजिए, एक है टियोटिहुआकान में और एक है गीजा में। टियोटिहुआकान के पिरामिड्स का डिजाइन भी बहुत यूनिक है। उसकी डिजाइन को हमारे सोलर सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और वहाँ के तीन खास पिरामिड्स टेम्पल ऑफ द सन, टेम्पल ऑफ द मून, ये दो पिरामिड, और टेम्पल ऑफ क्वेट्ज़लकोटल, इनका लेआउट बिल्कुल ओरायन बेल्ट जैसा है।
और गीजा प्लेटो के तीन पिरामिड भी इसी के तरह। ये सारे पिरामिड्स दूर होकर भी एक जैसा है, क्योंकि इन्हें बनाने का बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। गीजा के तीन पिरामिड के पोजीशन के पीछे जो कारण था वो जानने के बाद रिसर्चर्स चौंक गए थे। वो ओरायन बेल्ट के तारों को रिप्रेजेंट करते हैं। मायंस ने भी इसी तरह पूरे सेंट्रल अमेरिका में हजारों पिरामिड्स बनाए थे। हो सकता है वो पिरामिड्स भी तारों के किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हो, ओरायन नक्षत्र या फिर कोई और नक्षत्र, और हो सकता है उन्हें आसमान में रहने वाले एलियंस ने ही बनवाया हो। लेकिन पिरामिड बनाने वाले पिरामिड्स को तारों के नक्षत्र से अलाइन करके ही क्यों बनाया? क्या पृथ्वी पर पिरामिड्स को खास स्थानों पर बनाए जाने का कारण सिर्फ प्राचीन मनुष्य ही समझता था? पिरामिड्स का आकार इतना बड़ा होता है कि वो ऊपर आसमान से अच्छी तरह से दिख सकते हैं, इसलिए हो सकता है पिरामिड्स को बाहरी दुनिया के लोगों ने किसी संकेत द्वीप के तौर पर बनवाया हो, ताकि वो पृथ्वी वासियों से अच्छी तरह से कनेक्ट कर सके। हो सकता है वो पृथ्वी पर घूमने आते थे और इन पिरामिड्स को यूज करते थे किसी पवित्र जगह की तरह, या अपना लोकेशन जानने के लिए, या फिर लैंडमार्क की तरह। हो सकता है कि पिरामिड्स पावर मार्कर्स थे जिन्हें एलियंस ने जगह जगह बनाकर रखा हुआ था। वो आसमान से बिल्कुल साफ दिखते थे, जैसे मानो कि आसमान में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा बनाया गया हो। पिरामिड्स में कोई गहरा रहस्य छुपा है, उसे जानने के लिए हमें पिरामिड्स को अलग नजरिए से परखना होगा। क्या ये मुमकिन है कि पृथ्वी पर फैले हुए पिरामिड्स आपस में कनेक्टेड थे और वो किसी ऐसे बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जिससे सिर्फ आसमान से देखा जा सकता था? ऐसा मुश्किल पिरामिड्स का नेटवर्क किसने बनाया होगा और क्यों? मागालांग, इंडोनेशिया। जावा आइलैंड पर बना बोरबुडुर टेंपल, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक। 8वीं और 9वीं सदी में बना यह धार्मिक स्मारक चौड़े बेस और सीढ़ियों जैसे ढांचे वाला एक पिरामिड ही है। इसमें 6 रेक्टेंगुलर छत हैं और उनके ऊपर 3 सर्कुलर यानी गोल छत हैं। ये पेचीदा डिजाइन वाला पिरामिड बहुत ही दिलचस्प है और रहस्यमय है, खासकर जब इसे आसमान से देखा जाए। बोरोबुदुर दिखने में पिरामिड जैसा नहीं लगता, लेकिन है वो एक स्टेप्ड पिरामिड जिसके ऊपर बहुत से स्ट्रक्चर्स बने हैं। बोरोबुदुर मंदिर को बहुत पवित्र माना जाता है, इसे तीर्थ स्थान भी माना जाता है। यहाँ लोग आकर सीढ़ियां चढ़कर नीचे से ऊपर जाते हैं। उनका कहना है कि ऊपर पहुंचने पर उन्हें मोक्ष मिलेगा। इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर दुनिया के सबसे शानदार मॉन्यूमेंट्स में से एक है। एक तो वो मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, और दूसरा उस मंदिर को स्टडी करके हमने जो जाना है उससे तो हमारे होश ही उड़ गए। उस मंदिर का जो माउंड है वो माउंड आसमान के तारों से कनेक्टेड है। ऊपर से देखने पर मंदिर बिल्कुल एक विशाल बौद्ध मंडाला जैसा दिखता है, एक अनोखा गोलाकार वाला बौद्ध डायग्राम जो ब्रह्मांड को और एक आध्यात्मिक जगह को दर्शाता है जिसे प्रार्थना और ध्यान करने के लिए बनाया गया है। यह डिजाइन इस बात का संकेत देता है कि यह पिरामिड पहला ऐसा स्थान था जहां इंसान भगवान से संपर्क करता था। शोधकर्ता अब भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि इसे बनाने वालों ने क्यों और कैसे इतना विशाल और पेचीदा धार्मिक स्मारक बनाया जो पूरी तरह से सिर्फ आसमान से दिख सकता है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि सवाल का जवाब पिरामिड के ऊपरी हिस्से को देखकर मिल सकता है, जहां स्तूप कहे जाने वाले 72 घंटी के आकार के ढांचे हैं। हर स्तूपा में बैठे हुए बुद्धा की मूर्ति है। ऐ
ऐसा माना जाता है कि स्तूपा मौत के बाद स्वर्ग में जाने का जरिया है, पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में स्तूपा शब्द को कभी कभी शिकारा भी कहा जाता है। शिकारा का मतलब होता है शिकारा, इजिप्शियन शब्द सकारा से मिलता है, और सकारा का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग तक जाया जा सकता है। तो क्या प्राचीन इंडियंस और प्राचीन इजिप्शियंस दोनों यही मानते थे कि इन पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स को बनाकर स्तूपा या सकारा के माध्यम से वो स्वर्ग तक पहुंच सकते थे? ये उनके दिमाग का फितूर नहीं था, ना ही कोई कल्पना थी। वो कहानियां नहीं बना रहे थे, ये सच है। इंडोनेशिया में इंसान और एलियंस के बीच कॉन्टैक्ट हुआ है हजारों साल पहले। क्या मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना सही है कि प्राचीन मनुष्य ने ये स्तूप सिर्फ आध्यात्मिक कारणों की वजह से ही बनाए थे, या फिर उन्हें बनाने के पीछे कोई और कारण था, कोई रहस्यमय कारण जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है? क्या ये मुमकिन है कि इंडोनेशिया के प्राचीन वासियों का वाकई में एलियंस के साथ संपर्क था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस सवाल का जवाब हमें प्राचीन पिरामिड्स के अवशेषों से मिलेगा, जिन्हें जानबूझकर पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। शांची प्रांत, चाइना, 1947। शियान से लगभग 65 किलोमीटर दूर सुनसान क्वीन चुआन प्लेन्स पर कर्नल मोरी शेहेन को एरोप्लेन से एक विशाल और रहस्यमयी टीला दिखा था। कर्नल शेहेन ने उस विशाल टीले के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स को बता दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि वो टीला एक पिरामिड है और इतना बड़ा है कि उसके सामने इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड बौना पहाड़ लगेगा। इस कहानी के अखबार में छपने के बाद चाइना में 37 और पिरामिड के आकार वाले टीले देखे गए। इसमें चाइना के पहले क्विन वंश के मौसीलियम का पिरामिड भी शामिल है, जिसमें ईसा पूर्व की तीसरी सदी में हजारों टेराकोटा योद्धाओं की मूर्तियां भी दफ्न थी। मेन स्ट्रीम के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये पिरामिड्स नहीं बल्कि चीन के पुराने बादशाह की कब्रें हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वो पिरामिड्स ही हैं जिन्हें चीन की सरकार जाने क्यों सबसे छुपाना चाहती है। हमारे पास तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये पिरामिड्स ही हैं। ये पिरामिड्स चाइना की फॉरबिडन जोन में हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन हमें शक है कि वहां कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चाइना के बहुत सारे पिरामिड्स हमारे लिए रहस्य हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पास उन जगहों की सिर्फ तस्वीरें हैं जो 1940s-50s में खींची गई थी और फिर 1970s-80s में खींची गई थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने उन पिरामिड्स के ऊपर पेड़ पौधे लगवा दिए। वो बाहरी दुनिया को ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो पिरामिड्स नहीं, पहाड़ है। गवर्नमेंट ने चाइना के पिरामिड्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को जानबूझकर पेड़ पौधे लगाकर ढका था ताकि वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल पहाड़ दिखे। हो सकता है उन पिरामिड्स में कुछ खास आर्टिफैक्ट्स हों और अतीत में वहाँ होने वाली घटनाओं के सबूत हों, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि टूरिस्ट इन साइट्स को कोई नुकसान पहुँचाए। चीन की सरकार इन विशाल ढांचों को क्यों छुपाना चाहती है? क्या वो अपने प्राचीन बादशाहों के कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रही है, या पिरामिड्स के अंदर कोई ऐसा राज है जो चीन सबसे छुपाना चाहता है? हो सकता है इसका एलियंस से संबंध हो, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें लिखा था कि प्राचीन चीनी बादशाहों का एलियंस से संबंध था। उनका कहना था कि कुछ लोग आसमान से नीचे उतरते थे और उनमें ज्ञान बांटते थे, इसलिए ये मुमकिन है कि इन पिरामिड्स में ऐसे कुछ सबूत हों जिससे ये साबित हो जाए कि एलियंस वाकई में पृथ्वी पर आते थे, वो भी दूसरे ग्रहों से। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का ये मानना सही है कि चीन के पिरामिड्स का दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले पिरामिड्स की तरह एलियन के साथ कोई कनेक्शन है?
क्या इसी राज को छुपाने के लिए ही चीन की सरकार अपने पिरामिड्स को सबसे छुपाना चाहती है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि दूसरे देशों में भी कई ऐसे अज्ञात पिरामिड्स होंगे और वो देश भी चीन की तरह दुनिया से एलियंस के अस्तित्व का राज छुपा रहे हों, ताकि किसी को ये पता नहीं चले कि वो एलियंस के वंशज हैं। विसोको बोस्निया। यहाँ कुछ ऐसे त्रिकोण आकार के पहाड़ पाए गए जो सराजेओ शहर से कुछ 32 किलोमीटर दूर हैं। 2005 से इन पहाड़ों को लेकर मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट्स का जाने माने बोस्नियन इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सैम ऑस्मैनगिच और उनकी अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ वाद विवाद चल रहा है। डॉक्टर ऑस्मैनगिच के मुताबिक वो त्रिकोण पहाड़ असल में प्रकृति के बनाए पहाड़ नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए गए पिरामिड्स हैं, जिनमें पिरामिड ऑफ द सन और पिरामिड ऑफ द मून शामिल है। ये दोनों इजिप्ट के पिरामिडों से काफी लंबे हैं। वो पहाड़ जैसे दिखते हैं पर उनके पिरामिड की तरह चार साइड्स हैं और सारे कोने बिल्कुल पॉइंटेड और शार्प हैं। जब मैंने कंपस से चेक किया तो देखा कि उसके साइड्स कार्डिनल पॉइंट से मैच करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। बोस्नियन पिरामिड ऑफ द सन के साइड्स का अलाइनमेंट पूरी पृथ्वी पर सबसे एक्यूरेट है। कुछ लोगों को बोस्निया के विसोको इलाके के पहाड़ देखकर लगता है कि वो पिरामिड के आकार वाले पहाड़ हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पहाड़ के आकार वाले पिरामिड्स हैं। जब मैं वहां गया तो मैंने वहां कटे हुए पत्थर ढूंढे। मुझे इस जगह को देखकर लगा कि वहां प्राचीन मनुष्य कई सदियों पहले से रहते थे, प्री हिस्टोरिक समय से, जबकि कुछ लोग इस बात को मानते नहीं है। ऑस्मैनगिच का कहना है कि वहां पिरामिड्स इन लोगों ने बनाए थे जो ईसा पूर्व की 12वीं सदी में बाल्कन पेनिनसुला में रहते थे। उन प्री हिस्टोरिक क्लेरियंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ऑस्मैनगिच का मानना है कि उनकी सभ्यता बहुत ज्यादा तेज और अकलमंद थी। इन पिरामिड्स को बनाने वाली सभ्यता हमारी आज की मॉडर्न सभ्यता से भी ज्यादा एडवांस्ड थे। बोस्नियन पिरामिड्स में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए जो बाइंडिंग मटेरियल यूज किया गया था, उससे हमें पता चला कि वो पिरामिड्स 12,350 साल पुराने हैं, यानी वो दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड्स है। अब वक्त आ गया है कि हमारी हिस्ट्री बुक्स को बदल दिया जाए। मेन स्ट्रीम जियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो पहाड़ प्राकृतिक तौर पर पत्थरों और मिट्टी से बने हैं। उन्हें ऑस्मैनगिच का पिरामिड कहना बेबुनियाद लगता है, लेकिन ऑस्मैनगिच का कहना है कि फिर वहां इंसानों द्वारा निर्माण की गई चीजें क्यों हैं? जैसे कि पत्थर की पट्टियों से बना प्रवेश द्वार, जमीन के नीचे बनी रहस्यमयी और विशाल सुरंगें और कमरे, और 8,000 किलो के सीमेंट से बने बिल्डिंग ब्लॉक्स। सन पिरामिड की बात करें तो पूरा पिरामिड 1,80,000 टन के सीमेंट से ढका हुआ है। हमने पिरामिड में यूज होने वाले सीमेंट को 6 जाने माने इंस्टीट्यूट से चेक करवाया। सबने हमें एक ही जवाब दिया कि वो आर्टिफिशियल सीमेंट है, जो 21वीं सदी में पाए जाने वाले सीमेंट से 3 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है। उन्हें इतना बड़ा पिरामिड बनाने के लिए ये मटेरियल कहां से मिला? बोस्नियन पिरामिड साइट बहुत खास है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े पिरामिड कॉम्प्लेक्सेस हैं और वहाँ सबसे पुराने पिरामिड्स हैं, बल्कि इसलिए भी कि वहाँ के पिरामिड्स को स्टडी करके हम उस नए रहस्यमय मटेरियल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इससे हमें बोस्नियन पिरामिड्स और दुनिया भर के दूसरे पिरामिड्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। ऑस्मैनगिच के सुरंगों और सीमेंट का सबूत देने के बावजूद मेनस्ट्रीम साइंटिस्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि वो पिरामिड्स हैं। लेकिन क्यों? क्या बोस्निया अपने पहाड़ों में छुपे किसी गहरे राज को दुनिया से छुपाना चाहता है, ठीक जैसे चाइना छुपा रहा है? हमें बचपन से जो सिखाया या फिर पढ़ाया जाता है, हम उसी पर विश्वास करते हैं।
हमारे सैकड़ों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि इंसानों का अस्तित्व फला फला साल में हुआ, लेकिन कई सभ्यताओं की प्रथाओं से ये साबित हो गया है कि जितना हमारा विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ मानते हैं उससे कहीं पहले से दुनिया में इंसानों का अस्तित्व है। हमारा विज्ञान तो एक क्लोज्ड सिस्टम की तरह है, उसकी निश्चित सोच और मान्यताएं हैं, और जो चीज उनकी मान्यताओं से मेल नहीं खाती वो उस चीज को खारिज कर देते हैं या फिर छुपा देते हैं ताकि कोई भी उनकी मान्यता को चैलेंज ना कर पाए। हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें स्टडी कर सकते हैं, और जितना उन पिरामिड्स को स्टडी किया गया है उससे ये बात साफ है कि वो कोई नेचुरल पहाड़ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल पिरामिड्स हैं। पता नहीं वहां के साइंटिस्ट इस बात को नकार क्यों रहे हैं, क्योंकि इस बात का कारण ये हो सकता है कि अगर वो ये बात मान ले कि वो पिरामिड्स हैं पहाड़ नहीं, तो बोस्निया का पूरा इतिहास उलट पुलट हो जाएगा। कई सवाल उठेंगे, जैसे उन पिरामिड्स को किसने बनाया है, उन्हें ये पिरामिड्स बनाना किसने सिखाया था, और हो सकता है कि उन्हें अपना पूरा इतिहास बदलना पड़े। क्या चाइना और बोस्निया के प्राकृतिक पहाड़ जैसे दिखने वाले टीले वाकई में इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिड्स हैं? अगर है तो ये पता चल जाने के बाद कि इन्हें किसने डिजाइन किया है, क्या हम ये जान पाएंगे कि इन्हें क्यों बनाया गया है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस सवाल का जवाब हमें रशिया के आधुनिक पिरामिड्स में मिलेगा। मॉस्को, रशिया। हर साल हजारों लोग रशिया की राजधानी से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पर फाइबर्स ग्लास के बने विशाल पिरामिड को देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यह पिरामिड पृथ्वी के हीलिंग एनर्जी को लेकर उसे कई गुना बढ़ाकर फैलाता है। 144 फीट लंबा और 55 टन वाला यह पिरामिड रशिया में पाए जाने वाले 17 पिरामिड्स में से सबसे बड़ा है। उसे रशियन साइंटिस्ट और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर अलेक्जेंडर गोलोड ने अपने पैसों से बनवाया था। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि रशिया और यूक्रेन में विशाल मॉडर्न पिरामिड्स हैं। मॉडर्न पिरामिड्स को बनाने की शुरुआत 1989 में मॉस्को के अलेक्जेंडर गोलोड ने की थी। उनका मानना है कि पिरामिड्स बहुत बड़े एनर्जी फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो दोनों लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के फायदे के बारे में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पिछले 10 सालों से रशियन साइंटिस्ट पिरामिड इंजीनियर्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने साबित किया है कि चीजों को पिरामिड के अंदर रखने से उनकी ग्रोथ होती है, सेहत अच्छी होती है और उनकी आयु भी बढ़ती है। उन्होंने पिरामिड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एंटीबायोटिक्स को एक पिरामिड के अंदर एक मून साइकिल यानी 28 दिनों तक ट्रीट किया था। उससे जो है एंटीबायोटिक का पावर लगभग 1000 गुना बढ़ गया था। इस एनर्जी फील्ड के अस्तित्व के सबूत भी हैं। रशियन एयरफोर्स पायलट्स ने अपने रडार पर बहुत बड़े एनर्जी फील्ड को पकड़ लिया था, जब आसमान में मॉस्को के गोलाउड के बनाए विशाल पिरामिड के 1.5 किलोमीटर ऊपर से गुजर रहे थे। मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पिरामिड्स एनर्जी क्रिएट करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि पिरामिड्स ऊर्जा पैदा करते हैं? ये बात इंसानों को हाल ही के कुछ सालों में समझ आई है, या सैकड़ों हजारों साल पुरानी सभ्यताएं पिरामिड्स की इस शक्ति से वाकिफ थीं, इसीलिए पिरामिड्स बनाती थीं? पिरामिड्स की प्लेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्हें वहां बनाया गया जहां एनर्जी है। प्राचीन लोगों ने एनर्जी प्रोड्यूस करने और पृथ्वी का नक्शा बनाने के लिए पिरामिड्स को बनाया होगा। पिरामिड्स बहुत काम की चीज है, उन्हें प्राचीन लोगों ने अपने आने की पीढ़ियों के नॉलेज के लिए छोड़ा है। पिरामिड्स जिस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री से बने हैं उसे हमने अब थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है। अगर किसी अंडरग्राउंड जगह पर एनर्जी है तो उसके ऊपर पिरामिड बना देने से वो पिरामिड उस एनर्जी को खींचकर बाहर निकालता है, और उस एनर्जी को 10 गुना
50 गुना बढ़ाता है। पिरामिड्स परफेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली मशीन है। पिरामिड एक एंशिएंट ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है बीच में यानी सेंटर में आंख। प्राचीन ग्रीक वासियों को लगता था कि पिरामिड्स का जियोमेट्रिक शेप कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की एनर्जी केंद्रित करता था और दुनिया भर के पिरामिड्स एनर्जी कलेक्टर्स हैं जो ब्रह्मांड के एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का ये मानना सही है कि प्राचीन मनुष्यों ने पिरामिड्स सिर्फ ब्रह्मांड से संपर्क करने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि उन जगहों पर बनाए थे जहां पर एलियंस और मनुष्यों का संपर्क हुआ था? कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सवाल का जवाब हमें सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा, जहां मायंस ने बाकी प्राचीन सभ्यताओं के मुकाबले सबसे ज्यादा पिरामिड के आकार के मंदिर बनाए हैं। अगर हम पिरामिड्स की गिनती करें तो हम पाएंगे कि मायंस ने अकेले जितने पिरामिड्स बनाए थे उतने बाकी सभ्यताओं ने मिलकर भी नहीं बनाए थे। अब आप इसे हमारे आर्कियोलॉजी की कमजोरी ही समझ लीजिए कि हम अब तक नहीं जान पाए कि वो पिरामिड्स किस लिए बनाए गए थे। काश हम ये जान पाते कि पिरामिड्स किस मकसद से बनाए गए थे। अलग अलग मायन शहरों में अलग अलग पिरामिड्स हैं। टिकाल सबसे बड़ा मायन शहर था। टिकाल ग्वाटेमाला इलाके में है और वहां लगभग 80 पिरामिड्स थे और उन सभी पिरामिड्स के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा मंदिर था जहां भगवान आते थे। इन सभी पिरामिड्स के टॉप पोर्शन पर मंदिर था और अंदर एक चैम्बर था और उन चैम्बर्स में कुछ धार्मिक रस्में निभाई जाती थी। अब इन चैम्बर्स को परिवर्तन कक्ष भी कहा जाता था, जहां लोग अंदर जाते थे और बदल कर बाहर आते थे, क्योंकि वहां उनका भगवान के साथ संपर्क होता था। माया दूसरी प्राचीन सभ्यताओं की तरह ही ग्रहों, चांद और सूरज को भगवान माना करते थे। शायद इसलिए मायांस आसमान में बसे ग्रहों और तारों के बारे में लगातार जानने की कोशिश करते रहते थे, ताकि वो आसमान में भगवान के बनाए गए पैटर्न्स को कॉपी करके उन्हें सम्मान दे सकें। बहुत सारी सभ्यताओं के धर्म ग्रंथों में ये कहा गया था कि पिरामिड्स को इसलिए बनाया गया है ताकि आसमान की दुनिया को पृथ्वी से कनेक्ट कर सकें। ये उनकी कल्पना भी हो सकती है। हो सकता है वो पिरामिड्स के ऊपर जाकर भगवान को पुकारते रहे हों, इसमें सच्चाई हो सकती है। हो सकता है पिरामिड के ऊपर इंसानों और दूसरे ग्रहों के जीवों का सचमुच संपर्क होता हो। क्या ये मुमकिन है कि मायंस और दूसरी प्राचीन सभ्यताओं को पिरामिड्स की ऊर्जा पैदा करने वाली खूबी के बारे में एलियंस ने बताया था? इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे असली मकसद क्या था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि सारे सवालों का जवाब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में छुपे हुए हैं। उनका मानना है कि पिरामिड्स अपने अंदर मौजूद ऊर्जा को इतना गुना बढ़ा सकते हैं कि वो ऊर्जा ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों तक आसानी से पहुंच सकती है। गीजा, इजिप्ट, 1957 में और 1987 में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इन्वेंटर जो पार ने ग्रेट पिरामिड के ऊपर जाकर कुछ प्रयोग किए। अपने खुद के बनाए हुए उपकरणों की मदद से पार ने पिरामिड के इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज को नापा। जो पार मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे और जाने माने साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रेट पिरामिड और इन जनरल सभी पिरामिड्स के बारे में एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी की थी। जो का मानना था कि पिरामिड्स के आसपास एक एनर्जी फील्ड है, सारे पिरामिड्स के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिरामिड का एनर्जी फील्ड आमतौर पर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपनी ही लेबोरेटरी में ही एनर्जी फील्ड जनरेट करने का एक तरीका ढूंढ निकाला ताकि वो उसे अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। पिछले कुछ दशकों से लोग लगातार पिरामिड्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इतने सालों के बाद भी पिरामिड्स हम सबके लिए एक पेचीदा पहेली ही है। उनमें जो पावर है उसे समझना मुश्किल है। जो पार पिरामिड्स पर लगातार रिसर्च कर रहे थे,
जब कोई ग्रेट पिरामिड के ऊपर जाता है और अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन महसूस करता है, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उस वाइब्रेशन के लिए ग्रेट पिरामिड ही जिम्मेदार होगा। जो पार को अपनी रिसर्च से ये पता लगा कि अगर उसने पिरामिड के मॉडल को एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक करंट की मदद से जोर से घुमाया, तो उस मॉडल के आसपास एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होगा जो एक बबल की तरह उस पिरामिड को घेर लेगा। जो ने ये भी डिस्कवर किया कि ये बबल यानी एनर्जी फील्ड हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ब्लॉक करेगा, गामा रेज को भी। और ये कमाल की क्वालिटी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोई एनर्जी फोर्स तो गामा रेज को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये डिस्कवरी कमाल की है। लगातार अपनी लैबोरेट्री में पिरामिड्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे पार ने कुछ समय बाद पिरामिड्स की एक और चौंका देने वाली खोज की। अपने एनर्जी फील्ड में पिरामिड्स का वजन बिल्कुल शून्य हो गया और वो तैर कर एक खास दिशा की तरफ जाने लगा। उन्होंने इस एनर्जी फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट किया जहां से पिरामिड शूट आउट होगा, और अंदाजा लगाइए वो एग्जैक्टली उस जगह से अलाइन करता है जहां ओरायन का नक्षत्र है। जो का ये मानना था कि वो हाइपर स्पेस में चला गया था, वो ये साबित नहीं कर सके, पर ये मेरे हिसाब से मुमकिन है। फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि पूरी दुनिया के टोटल 6 डायमेंशंस होते हैं। सारे डायमेंशंस अपने आप में एक अलग दुनिया है, लेकिन पिरामिड्स एनर्जी फील्ड्स के माध्यम से दूसरे डायमेंशंस में कैसे जाते, वो टाइम ट्रेवलिंग कैसे करते होंगे। जो ये साबित नहीं कर पाए, लेकिन मरने से पहले वो ये कहते थे कि पिरामिड एक टाइम मशीन बन सकता है अगर हम उसके राज जान गए तो। मेरे ख्याल से वो एक गेट है जिससे अलग डायमेंशंस में जाया जा सकता है। पिरामिड के जरिए इंसान, चीजें, सोच, आत्मा दूसरे डायमेंशन से हमारे डायमेंशन में आ सकते हैं। क्या जो पार का ये विश्वास सही है कि ग्रेट पिरामिड दुनिया के एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का जरिया है? अगर ये सही है तो क्या दूसरे पिरामिड्स में भी ये काबिलियत है? क्या पृथ्वी के सारे पिरामिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या उन सबको बनाए जाने का मकसद एक ही है? और क्या उस मकसद का दूसरी दुनिया के एलियंस के साथ कुछ लेना देना है? प्राचीन मनुष्य एक ही तरह के पिरामिड्स बनाते थे क्योंकि वो इससे पृथ्वी की नीचे की नेचुरल एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते थे। जो भी सभ्यता इस कॉम्प्लेक्स पिरामिड नेटवर्क को बना रही थी या बनवा रही थी, इसके लिए जिम्मेदार थी, वो जरूर बहुत ही एडवांस्ड थी। हो सकता है वो एलियंस थे। पिरामिड्स जैसे विशाल स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट्स तो होने ही चाहिए। कहाँ हैं वो सारे ब्लूप्रिंट्स? अगर उन्हें एलियंस ने नहीं, इंसानों ने बनाया था, तो आपको नहीं लगता कि कम से कम एक तो ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं होना चाहिए? लेकिन सच यही है कि एक भी ब्लूप्रिंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सारे ब्लूप्रिंट्स गायब हो गए हैं। पिरामिड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो पृथ्वी के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वो दूसरी दुनिया और हमारी पृथ्वी के बीच द्वार का काम करते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि प्राचीन पिरामिड्स असल में एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? पिरामिड्स अब भी हमारे लिए एक पहेली है। क्या होगा जब ये पहेली सुलझेगी? क्या हम सच झेल पाएंगे?